अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेशा कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं, चटपटे हैं, फुल मसालेदार हैं। कबाब वैसे भी हर किसी को पसंद होते हैं, घर में बने हुए होते हैं तो थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। तो आज की रेसिपी भी बहुत मज़ेदार है। रेसिपी देखें, एंड तक देखें तभी समझ आएगी। तो रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दो मीडियम साइज़ के आलू लिए। एक आलू को चार हिस्सों में काट के छिलके समेत सादे पानी में मैंने इन आलूओं को बॉईल कर लिया है। तो ये बॉईल किए हुए आलू हैं, मैंने छिलके समेत इनको बॉईल किया है। अब मैं इनका छिलका उतार रही हूँ आपके सामने। आप चाहें तो छिलका उतार के भी इनको बॉईल कर सकते हैं। मैंने इसमें किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं डाली है, ना नमक ना कुछ और। ये सादे पानी में सिंपल बॉईल हुए हुए हैं। तो ये देखें, आलू हमारे पास बॉईल हुए हुए आ गए हैं। इनके ऊपर का छिलका मैंने उतार दिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू थे। और ये चिकन है मेरे पास, तकरीबन 150 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। मैंने बड़े बड़े पीसीस लिए हैं, इनको भी मैंने सादे पानी में चिकन के पीसीस को डाल के चिकन को बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसीस भी ले सकते हैं, मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ के पीसीस थे तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है। और इसके बाद हमने ये जो चिकन है इसको रेशा कर लेना है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने थोड़ा करूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो। बस इस तरह से हमने सारी की सारी जो चिकन है इसको हाथ की मदद से रेशा रेशा कर लेना है, तोड़ लेना है। तो ये देखिए, मैंने सारी चिकन को तोड़ लिया है। थोड़े से मोटे मैंने चंक्स रखे हैं, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी इसको रेशा रेशा कर सकते हैं। तो ये चिकन हो गई है। ये मेरे पास यखनी है जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था। 2 ग्लास पानी डाल के मैंने चिकन को बॉईल किया था। आप चाहें तो वो पानी जो है चिकन के साथ पूरा ड्राई कर सकते हैं, नहीं तो ये जो यखनी है आप इसको यखनी बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कभी पुलाव बनाए तो उसमें डाल सकते हैं। बच्चों को इसमें सब्जियां डाल के अच्छा सा सूप बना के दे सकते हैं। तो मैं इसको आगे इंशाल्लाह किसी रेसिपी में यूज़ करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी भी। तो ये यखनी हमारे पास आ गई है, इसको साइड पर रखेंगे, अभी इसका काम नहीं है। अभी जो मैंने आप लोगों को आलू दिखाए थे इसमें ये रेशा की हुई चिकन डाल देंगे और इसमें बाकी की जो चीज़ें डलेंगी, दो मैंने हरी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है हरी प्याज को, और इसके मैंने दोनों पार्ट लिए हैं, वाइट वाला भी और ग्रीन वाला भी। दो हरी प्याज चली गई, तीन से चार मोटी वाली मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये इसमें चली जाएंगी। और हरा धनिया है, तकरीबन आधी गड्डी मैंने हरा धनिया की ली है, तो ये हरा धनिया इसमें चला जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया, साबित धनिया और साबित ज़ीरा डालूंगी। 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिया, 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा लिया। इन दोनों को तवे पे हल्का सा मैंने भून लिया। किस तरह से भूनती हूँ कई दफ़ा आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। और फिर इसके बाद इसको निकाल के मोटा मोटा कूट लेना है। तो भुना हुआ कुटा हुआ साबित सफ़ेद ज़ीरा चला गया। 2 टी स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, आप चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। 1 टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 1 डबल रोटी का स्लाइस लिया है। इसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो के रखा था और इसके बाद इसका पानी निचोड़ के ये जो ब्रेड स्लाइस है मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी जो है कबाबों में बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये ब्रेड स्लाइस चला गया और अब हमने इसकी बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है इन सारी चीज़ों की। तो बस हमने इनको मिक्स कर लेना है, लेकिन आलूओं को मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, हल्के से छोटे से चंक्स रखूँगी, वो बहुत अच्छे लगते हैं कबाब में। तो बस हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, आलूओं को तोड़ लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना कि बिल्कुल जो है ये मैश हो जाए। हल्के से छोटे छोटे से चंक्स रहने दीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारा का सारा जो मसाला है ये तैयार कर लिया है। और ये देखें, आलूओं में छोटे से मैंने चंक्स रखे हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे चंक्स जो हैं। तो बस इस तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और अब मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी हाथों पे और कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई हुई है, ये आराम से बन जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी हाथों पे लगा के हाथों को थोड़ा सा गीला या ग्रीस कर लें। और इसके बाद हमने इसके कबाब बनाना स्टार्ट करने हैं। कबाब के साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, मैं दरमियाना साइज़ का कबाब बना रही हूँ।
ये देखें इस तरह से हमने कबाब बना लेने हैं। ये देखें इसमें चिकन के पीसेस भी आ रहे हैं, आलू के पीसेस भी आ रहे हैं, तो ये बड़े ज़बरदस्त से कबाब बनते हैं। तो एक और मैं आपके सामने बना लेती हूँ, हाथों को गीला कर लें और इसके बाद कबाब बना लें। ये देखें इस तरह से मैं बिल्कुल जो है बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं है मेरे कबाब का, बहुत छोटा साइज़ भी नहीं है, बड़ा अच्छा सा दरमियाने साइज़ का मैंने कबाब बनाया है। और इस तरह से सारे के सारे कबाब हमने बना लेने हैं। अब इनको आप 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर ये सेट हो जाएं, उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इन अंडों को हमने फेंट लेना है बहुत अच्छे से। इस तरह से बस हमने अंडों की मिक्सिंग कर लेनी है और इन अंडों में हम कबाब जो है वो डिप करके और कबाब को फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। और उसके बाद आंच जो है आप मीडियम कर दें। और ये देखें अब अंडा जो है इसमें मैं कबाब को डिप करूँगी और इस तरह से फिर हमने कबाब को जो है फ्राई पैन में डाल लेना है। ये एक और मैं आपके सामने दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से हमने डिप करना है अंडे में और ये कबाब इसमें डालना है। बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई हुई है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ब्रेड क्रम्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अंडे में बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो बस इस तरह से सारे के सारे जो कबाब हैं इनको हमने अंडे में डिप करना है, इसके बाद हमने पैन में डालना है। और पैन में डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें, नीचे से इनको फ्राई होने दें, सेट होने दें। इसके बाद आपने इसकी साइड पलटनी है, एकदम से फ़ौरन से साइड नहीं पलटनी। तो ये देखें इस पर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, इसको मज़ीद जो है हम थोड़ा सा और कलर देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। आँच मैंने मीडियम रखी है, बहुत तेज़ नहीं है, ऐसा ना हो कि जल जाए। हमने पकाना कुछ नहीं है, सिर्फ कबाबों को कलर देना है। ये ऑलरेडी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी पकी हुई हैं, तो हमने किसी चीज़ को पकाना नहीं है, सिर्फ कबाब को कलर देना है। तो अब दूसरी साइड पे भी तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी और नीचे से बहुत अच्छा सा कलर आने देंगे, गोल्डन कलर आने देंगे। इसके बाद मैं दोबारा से ये साइड चेंज करूँगी क्योंकि ऊपर से अभी थोड़ा लाइट कलर आया है, इसको मज़ीद थोड़ा सा और कलर आना चाहिए। तो ये देखें 3 मिनट के बाद अब मैं दोबारा से इसकी साइड पलट रही हूँ और ये अब बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया है, ये कलर आना चाहिए। तो बस इस तरह से हम साइड पलट लेंगे और जो नीचे की साइड से हल्का कलर आया था इस पर भी हम थोड़ा सा कलर आने देंगे। 2 से 3 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ दें मीडियम आंच पे और इसके बाद नीचे से फ्राई होने दें और फिर इसको भी हम पलट लेंगे। ये देखें अब ये दोनों तरफ से बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम सारे के सारे ये जो कबाब हैं इनको निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त जो है ये फ्राई हुए हैं और आराम से ये हो जाएंगे क्योंकि इसमें चिकन ज़्यादा था, आलू जो थे वो हमने इतने ज़्यादा नहीं डाले, ब्रेड डाली है तो इसमें बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग हुई हुई है। तो ये बहुत आराम से फ्राई हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है कलर आया है दोनों साइड पर। बस कबाबों को हमने दोनों साइड पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है मीडियम आंच पे। इसमें पकने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने कलर देना है, अच्छा सा गोल्डन कलर दोनों साइड पर आ जाए तो हमारे मज़ेदार से ये जो कबाब हैं ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से सारे कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है, ये हो चुके हैं, इनको हमने बस निकाल लेना है। तो देखें ये कितने मज़ेदार से फ्राई हुए हैं, ऊपर से देखें आपको कितना ज़बरदस्त कलर आया है, अंदर से ये उतने ही मज़ेदार चटपटे से हैं। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और लाल मिर्चें इसमें ज़्यादा डाली हैं ताकि ये अच्छे से चटपटे से बने। मिर्च मसाले वैसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च की जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ ये कितने मज़े के हैं, बहुत आसान है, बहुत आराम से बन जाते हैं। अगर घर में आप टी पार्टी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो शाम में आप एक दिन पहले जो है चिकन और आलू बॉईल करके रख दें, अगले दिन जिस दिन आपने बनाने हो सारी चीज़ों की मिक्सिंग करें और ये मज़ेदार से कबाब तैयार करें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी, लेकिन बनाइएगा ज़रूर।